Assalamualaikum, welcome to Medical Globe e-learning. I am Nayab Khalid. Now I will give you the guidance of chapter 49, antiviral chemotherapy and prophylaxis. इसमें से स्टार्ट वाला पोर्शन आप रीड आउट करेंगे. जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एससीक्यू के लिए, सारी की सारी आपने करनी है. कुछ जो एक्स्ट्रा ड्रग्स हो थ्योरी में से वो साथ ही आप लोग एड ऑन कर लें ताकि जब आप रिव्यू करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो. इसमें सबसे पहले आपके पास एंटी हर्पीज ड्रग्स में से एसाइक्लोविर आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा आपने करना है. फिर फिगर 49.1 इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज और ओएसपी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर आपके पास एक फिगर आती है फिगर 49.2 जो एससीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ओएसपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है. एसाइक्लोविर आपने सारा का सारा करना है अच्छे से. टेबल 49.1 आप एससीक्यू एमसीक्यूज दोनों के लिए करेंगे. फोस्कानेट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए और एससीक्यू के लिए भी. गैन साइक्लोविर आप एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करेंगे और अदर ड्रग्स सारी की सारी आप एमसीक्यूज के लिए ही प्रिपेयर करेंगे. एंटी एचआईवी ड्रग्स में से जो दो डिफरेंट हैं आपके पास, न्यूक्लियर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स और नॉन न्यूक्लियर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, इनके डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, सबके नेम्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए. बाकी जो टेबल में लिखा हुआ है वहां से आप कर सकते हैं. टेबल 49.2 एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है. प्रोटीएज इनहिबिटर्स भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है और एनएनआरआईज आपके एससीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखते हैं फिर हम. अब ये सारा का सारा आपने रीड आउट करना है. जस्ट एंट्री इनहिबिटर्स के नेम्स करें और टेबल से इसको आप याद कर लें. कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स हैं वो सारे टेबल में एड ऑन कर लें. एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट्स इंपॉर्टेंट है, इनके नेम सबके करने हैं आपने. एससीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. मेंटरिन रिमेंटरिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर वायरल हेपेटाइटिस में से हेपेटाइटिस बी की ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंटरफेरोन अल्फा इंपॉर्टेंट है. ये सारा का सारा आपने करना है, ये आता होता है आपके एससीक्यू में. बाकी सारा पार्ट सिर्फ और सिर्फ आपने एमसीक्यू के लिए करना है. बाकी जो एमसीक्यूज हैं इनकी स्टेटमेंट्स भी आप समझेंगे, इनकी जो ऑप्शंस हैं वो भी समझेंगे. करेक्ट ऑप्शंस है तो वो क्यों है और रॉन्ग ऑप्शन है तो वो क्यों है, उसकी क्या रीज़न है, ये भी आपको एमसीक्यूज में रीजनिंग दी जा सकती है. फिर इसके आंसर्स जो हैं उस वो भी आप करेंगे, ठीक है. उसके भी आपको रीजनिंग दी जा सकती है एमसीक्यूज बनाकर. नेक्स्ट फिर अब हम देखते हैं. फिर चेकलिस्ट है, एससीक्यूज आपने करने हैं, ठीक है. ये इन एससीक्यूज क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आप चैप्टर प्रिपेयर करेंगे. फिर समरी बहुत इंपॉर्टेंट है एससीक्यू एमसीक्यू दोनों के लिए, ये सारा का सारा आपने करना है. अगर कोई बुक आप फॉलो करना चाहते हैं एससीक्यू एमसीक्यू की तो वो आप मेडिकल ग्लोब की बुक फॉलो कर सकते हैं, एमसीक्यू क्रैक्स और एमबीबीएस क्रैक्स. थैंक यू सो मच. मेडिकल ग्लोब पब्लिकेशंस आपकी खिदमत में पेश करता है प्रोफेशनल एग्जाम से रिलेटेड आपके तमाम मसाइल का हल. जी हाँ, एमबीबीएस क्रैक्स इसमें मौजूद है हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की मार्किंग, इसके अलावा यूनिवर्सिटी के तमाम पास्ट क्वेश्चन जो कि सॉल्व करके दिए गए हैं, इसके अलावा हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पर्ल्स, साथ ही साथ इसमें शामिल है फोरेंसिक की समरी. इसके अलावा बिग रॉबिन्स की इम्पॉर्टेंट तस्वीरें ऐड की गई हैं, इसके अलावा हर सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट ओएसपी की पिक्चर्स ऐड की गई हैं. साथ ही साथ मेडिकल ग्लोब आपकी खिदमत में पेश करता है एमसीक्यूज क्रैक्स, इसमें मौजूद है आपके एमसीक्यूज की परेशानियों का हल. जी हाँ, तमाम की तमाम यूनिवर्सिटी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें ऐड किए गए हैं जिसमें यूएचएस के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज शामिल हैं. तो अभी इस मौके से फ़ायदा उठाइए और इस बुक को घर बैठे बैठे ऑर्डर करें हमारे दिए गए नंबर पर 0335 66 33 007.